दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ मथुरा के बरसाना में और यहाँ पर एक गौशाला में ये गोबर गैस प्लांट लगा है। हम सभी जानते हैं कि गोबर गैस एक बायोगैस है और बायोगैस एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कि फूड वेस्ट, एनिमल वेस्ट, वाटर वेस्ट, क्रॉप्स के डिकम्पोजिशन से बनता है। बायोगैस से एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी बनती है, क्लीन एनर्जी जनरेट होती है, इससे हम बिजली बना सकते हैं, कुकिंग गैस बना सकते हैं और हमारा एनवायरमेंट भी कम पोल्यूट होता है। यहाँ भी गाय के गोबर का इस्तेमाल करके इस गोबर गैस प्लांट से बिजली बनाई जा रही है और साथ ही साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं जिनको बेचकर कमाई भी की जा रही है। इस वीडियो में गोबर गैस के एग्जांपल से हम बायोगैस को समझने की कोशिश करेंगे कि एनवायरमेंट के लिए बायोगैस का इस्तेमाल क्यों जरूरी है, क्या फायदे हैं और कैसे आप खासकर किसान भाई बायोगैस का प्लांट लगाकर आमदनी बढ़ा सकते हैं और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि बायोगैस से जुड़े चैलेंजेस क्या हैं, सरकार ने क्या किया है अभी तक और क्या किए जाने की जरूरत है। 1500 से 2000 लोगों का खाना बनता है। सरकार जो है उज्ज्वला योजना के तहत घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रही है सिलेंडर, और वो पाइप के जरिए घर घर पहुंचाएं या सिलेंडर के जरिए घर घर पहुंचाएं, उसका बहुत बड़ा कार्बन फुटप्रिंट होगा। गाँव में गोबर पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, लेकिन उसको कैसा उसका उपयोग करें उसके लिए बायोगैस प्लांट्स नहीं है। गायों का जो गोबर है, फ्रेश गोबर, हम लोग फ्रेश गोबर लेते हैं, उसको अपने डाइजेस्टर में इनलेट में डालते हैं। उसको पहले पानी और गोबर का मिक्सचर करना पड़ता है, डाइजेस्टर में डाइजेस्ट हो जाता है वो, तो गैस उसमें ऊपर आ जाती है बैलून में और स्लरी नीचे रह जाती है। जो उसका वेस्ट है वो गोबर को, जो सड़ा हुआ गोबर है वो बाहर निकल जाता है आउटलेट के थ्रू। जब आउटलेट के थ्रू बाहर निकलता है उसकी जैविक कंपोस्ट खाद बनाते हैं हम, उसको टर्नर लगा के जीवामृत छिड़क के कल्चर वगैरह, उसके बाद बढ़िया जैविक कंपोस्ट खाद बनती है। और जो गैस है अपनी, इसमें 3-4 तरीके की गैस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन गैस, इनका रेशियो होता है। तो सबसे पहले हम गैसों को क्लीन करते हैं, तो H2S स्क्रबर लगा हुआ है हमारा, वो H2S को स्क्रबिंग कर देता है, मतलब H2S गैस है जो उसको डैमेज कर देता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का है, वो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है हमारा, और बचती है फिर मीथेन गैस जो प्योरीफाइड गैस है, उसको हम क्लीन करके अपने गैस स्टोरेज में पैक भर लेते हैं और उससे हम कुकिंग करते हैं और जनरेटर चलाते हैं जिससे बिजली प्रोड्यूस होती है। तो हमारा LPG का कुछ भी खर्चा नहीं आता है। गौशाला में 12 घंटे लगभग गैस चलती है कुकिंग के लिए, और श्री जी मंदिर पे भी प्रसाद बनता है वो इसी गैस से बनता है। बायोगैस के 4 सबसे बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि जो हमारे घरों में खाना बच जाता है, ख़राब हो जाता है, यानी कि किचन वेस्ट होता है या फिर एनिमल वेस्ट होता है जैसे कि गोबर या फिर जो फसलें होती हैं, जानवरों का चारा होता है जो बच जाती हैं या फिर ख़राब हो जाती हैं या फिर जला दी जाती हैं, उनका इस्तेमाल करके हम बायोगैस बना सकते हैं। इससे एक तरह से एनवायरनमेंट से कचरा भी साफ हुआ और बिजली भी बन गई। इसी तरह दूसरा फ़ायदा ये है कि इसे बनाने के लिए हमें कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं जलाना पड़ता है, इसलिए बेहद कम पोल्यूशन होता है। और तीसरा फ़ायदा है कि बायोगैस बनाने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो सारा हमारे पास मौजूद होता है। और चौथा फ़ायदा ये होता है कि जो इस प्रोसेस के बाद सॉलिड फ्रैक्शन बचता है उसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक खाद बनाने में किया जा सकता है। इससे अपने को जितना भी पर्यावरण में कचरा है या कुछ भी है XYZ जिसको हम वेस्ट समझते हैं, उससे यूज होकर उसको डिकम्पोज करके गैस बनाई जा सकती है। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जितनी भी हरियाली है सारी, ये अपने बायोगैस की कंपोस्ट से ही है सर। दोस्तों, बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2022 की बायो एनर्जी पॉलिसी में कई सारी सहूलियतें दी हैं ताकि इन्वेस्टर्स यूपी में इन्वेस्ट करें, बायोगैस प्लांट लगाएं। प्लांट लगाने वाली कंपनीज को यूपी सरकार 1 रुपये पर एकड़ के टोकन लीज रेंट पर 30 साल के लिए ज़मीन देगी। यूनिट्स को 20 करोड़ रुपये तक की मदद मिलेगी और ज़मीन खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में भी पूरी तरह छूट मिलेगी। इसके अलावा 10 सालों तक GST नहीं लिए जाने जैसे और कई सुविधाएँ दी गई हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जो किसान खेतों में पराली जलाते हैं वो ना जलाएं बल्कि इन प्लांट्स को बेच सकें। इससे किसानों को फ़ायदा भी होगा और पोल्यूशन से भी छुटकारा मिलेगा।
साल 2021-22 से लेकर 2025-26 तक नेशनल लेवल पर बायो एनर्जी प्रोग्राम भी भारत सरकार चला रही है और साल 2023 में फरवरी के महीने में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी नेशनल लेवल पर गोबर धन स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया था। इसके बाद इसी साल जनवरी के महीने में 100 और CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाने की बात पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने की थी ताकि देश में क्लीन एनर्जी के सोर्सेज को बढ़ाया जा सके। दोस्तों, बायोगैस के अलावा इन प्लांट्स के जरिए और भी कई तरह के बायो एनर्जी के सोर्सेज हम बना सकते हैं, जैसे कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोकोल, बायोएथेनॉल, बायोडीजल। इन टर्म्स को समझ लेते हैं। जब बायोगैस को प्यूरीफाई करके अपग्रेड करते हैं तो वो CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस बन जाती है, जिसे सिलेंडर में भर कर आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। इसी तरह बायोकोल का मतलब होता है जब ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीजन के एब्सेंस में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो वो बन जाता है बायोकोल, जिसे कोयले के जैसे ही जलाया जा सकता है। बायोएथेनॉल बनाया जाता है मक्के और गन्ने के पौधों से, जिसे गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह खाना बनाने के बाद जो तेल बच जाता है एनिमल फैट या फिर वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है बायोडीजल। इससे भी सभी तरह के डीजल इंजन चलाए जा सकते हैं। इससे पोल्यूशन कम होता है, किसान इसको अपने खेतों में ज़रूरत के हिसाब से उगा सकते हैं, खुद के काम में ला सकते हैं या फिर चाहें तो बेच भी सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे किसान इससे कमाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि बायोफ्यूल के बहुत सारे अलग अलग स्रोत हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बायोगैस की बात कर रहे हैं और मोर ओवर गोबर गैस की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो गोबर गैस का सिस्टम है वो पहला काम ये करता है कि गोबर के डिकम्पोजिशन के वक्त जो मीथेन रिलीज होता है उसको टैप करके आपको कुकिंग फ्यूल उपलब्ध करा देता है। ठीक, तो जब हमारा कुकिंग फ्यूल उससे मिल जाता है जो कि काफी सस्ता है, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो यानी लकड़ी या पत्थर कोयला या गोबर के कंडे उपले जलाने से जो धुआं होता है वो धुआं कम हो जाता है। पहला कि मीथेन इमिशन कम हुआ, दूसरा जलाने से जो धुआं निकल रहा है वो कम हो गया, और तीसरी बात इससे ये हो जाती है कि हमको खेत में डालने के लिए डीमीथेन्ड कंपोस्ट बड़ी मात्रा में मिल जाता है। तो एक किसान के लिए ये दो फायदा है, सीधे सीधे किसान की आमदनी को बढ़ाने में फायदेमंद, या उनका जो कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट है, जो यानी फ्यूल पे खर्चा होता है, चाहे वो खरीदें लकड़ी या कोयला खरीदें या कंडा खरीदें या जो भी, या गैस खरीदें, तो वो कम हो जाता है। महिलाओं को फायदा ये है कि धुएं के साथ लगातार नहीं रहना है, बच्चों को फायदा ये है कि धुएं के साथ लगातार नहीं रहना है, तो जो उनका हेल्थ कॉम्प्लिकेशन इन सब चीजों के धुएं की वजह से होता है उसमें रिडक्शन होता है, तो वहां फिर वो सेव करते हैं हेल्थ कॉस्ट में। और तीसरी चीज है कि उनको जो वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है या स्लरी मिल जाती है बायोगैस से निकली हुई, उसको वो एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। सरकार जो है उज्ज्वला योजना के तहत घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रही है सिलेंडर, तो सिलेंडर तो कहीं से वो एक्स्ट्रैक्ट यानी वो कहीं से तो निकालेंगे वो गैस, और वो पाइप के जरिए घर घर पहुंचाएं या सिलेंडर के जरिए घर घर पहुंचाएं, उसका बहुत बड़ा कार्बन फुटप्रिंट होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बायोगैस बनाने में चैलेंजेस नहीं आते। सबसे पहला जो चैलेंज होता है वो ये है कि बायोगैस का प्लांट लगाना थोड़ा महंगा होता है। दूसरा, प्लांट अगर किसी ने लगवा भी लिया तो उसके मेंटेनेंस का ध्यान रखना होता है ताकि प्लांट स्मूथली चलता रहे। इसके अलावा बायोगैस बनाने के लिए जिन वेस्ट की हमें ज़रूरत होती है उनकी सप्लाई लगातार होती रहनी चाहिए, इसलिए किसी एक परिवार के लिए एक बड़ा प्लांट लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। आइए जानते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं जिनका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। देखिए, बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनुदान देती है, वो अनुदान सीमेंटेड प्लांट्स पर मिलता है। ये दो तरह के होते हैं, एक तो इंटो द्वारा बनाया गया और दूसरा सीधा एक बार में कंक्रीट से ढाला जाता है। यही ट्रेडिशनल बायोगैस प्लांट्स हैं।
लेकिन इनके साथ भी कुछ समस्याएं आती हैं, वो ये हैं कि एक तो इनको बनाने वाले मिस्त्री नहीं मिलते, बहुत ही कम एक जनपद में ये मिस्त्री मिलते हैं, इसलिए ये बन ही नहीं पाते। या कई बार ऐसा होता है कि पूरा बनने के बाद अगर थोड़ी सी भी असावधानी बरती गई या कुछ कमी रह गई तो फिर ये फेल हो जाते हैं, उनमें से गैस लीकेज होती रहती है और ये चल नहीं पाते। तो ऐसे में ये जो एक उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता है। आप एक उदाहरण देखिए कि मैं स्वयं अपने यहाँ अपने गांव में एक छोटा सा गोबर गैस प्लांट लगाना चाहता था। इसके लिए मैंने मार्च 2015 में आवेदन किया था। तो उसको बनाने वाला जो स्पेशलिस्ट मिस्त्री होता है, जिसको ऑफिशियली टर्नकी मिस्त्री बोलते हैं, तो वो नहीं मिला, इसलिए वो बायोगैस प्लांट बन ही नहीं पाया। और इससे पहले हमारे घर में बायोगैस प्लांट था जो लगभग 20-25 साल बहुत सफलतापूर्वक चला, लेकिन एक बार जब उसमें क्रैक्स आने शुरू हुए तो फिर उसको रिपेयर नहीं किया जा सका। तो ये हालत है ट्रेडिशनल बायोगैस प्लांट की। इनके साथ ये बहुत बड़ी चुनौती है कि इनको बनाने वाले मिस्त्री नहीं मिलते हैं और अब ये तकनीक बहुत पुरानी होती जा रही है, इसलिए अब ये बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। समय के साथ कुछ अत्याधुनिक बायोगैस प्लांट्स बनाने की तकनीकें आई हैं, उनमें कुछ मेटल के बायोगैस प्लांट्स हैं, कुछ प्लास्टिक के बायोगैस प्लांट्स हैं, कुछ पोर्टेबल बलून जैसे बायोगैस प्लांट्स हैं, वो भी अब मार्केट में आ गए। लेकिन इनके साथ एक समस्या ये है कि ये बहुत महंगे हैं और इन पर कोई अनुदान नहीं मिलता है। तो मार्केट में आप इनको खरीद तो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से आपको अपने पैसों का भुगतान करना होगा। दूसरी बात, ये उत्तर भारत में हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप मार्केट से भी परचेज करने की कोशिश करें तो उत्तर भारत के इलाकों में ये बहुत ज़्यादा आपको ईजिली नहीं मिलेंगे। अगर आप ऑनलाइन तलाश हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ही प्रदेश हैं जहाँ पर ये जहाँ ये बन रहे हैं और जहाँ से ये सप्लाई हो रहे हैं। तो ये बहुत महंगे हैं और सरकार को इस पर सब्सिडी देनी चाहिए। और ये पोर्टेबल भी हैं, कम जगह घेरते हैं और उनकी जो सफलता की दर है वो सीमेंटेड प्लांट की तुलना में काफ़ी बेहतर है। तो ऐसे में सरकार को ये चाहिए कि वो इन पर अनुदान दे। गाँव में गोबर पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, लेकिन उसको कैसा उसका उपयोग करें उसके लिए बायोगैस प्लांट्स नहीं है। तो अगर हम पोर्टेबल बायोगैस प्लांट्स 8-12 हज़ार रुपए के बीच में बनाने में सफल होते हैं तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है लोगों के लिए। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और गवर्नमेंट वो टेक्नोलॉजी कम्युनिटी के पास नहीं ला रही है, वो टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेट के पास जा रही है और कॉर्पोरेट उसका फायदा उठा रहे हैं। बायोगैस प्लांट को इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाना चाहिए, सब्सिडी के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है दरअसल, है ना, और 20-25 साल का इन्वेस्टमेंट है। आप एक बार आपका खर्चा है और 20 साल तक आपको उसका डिविडेंड मिलता है, तो इसको इस नजरिए से देखें तो ज्यादा बेहतर है। कम्युनिटी के साथ अगर आप बैठ करके प्रोसेस करेंगे और लंबा समय देंगे तो कम्युनिटी अवेयर होगी, तो कम्युनिटी उसको उस तरह से छोड़ेगी नहीं। लेकिन जहां पे सिर्फ आपने एक 2-4 मीटिंगें की और एक सिस्टम उनके हवाले कर दिया और सबकी जिम्मेदारियां तय नहीं हुई और उसका पूरा पोटेंशियल आपने उनके साथ डिस्कस नहीं किया, उसका इकोसिस्टम क्रिएट नहीं किया, तो वो चीज़ें फेल होती हैं। तो दोस्तों, ये था एक वीडियो जिसमें मैंने समझाने की कोशिश की कि बायोगैस क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे किसानों के लिए कमाई का ये एक ज़रिया हो सकता है और कैसे एनवायरनमेंट के लिए ये ज़रूरी है। साथ ही जाना कि सरकार क्या कर रही है और सरकार को क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आप क्या सोचते हैं वो कॉमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।